गुड मॉर्निंग क्लास एट हाउ आर यू आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडी एट होम टुडे इज एटींथ जून एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन लेट्स स्टार्ट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत यानी हमें मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे देयर आर स्कोर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमें आधुनिक युग के इतिहास के बारे में आधुनिक युग के बारे में हमें जो है सूचनाएं मिलती है दे कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज इनको हम दो श्रेणियों में जो है बांटते हैं पहला है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्स हिंदी में कहेंगे प्राथमिक सोर्स और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी सो, सेकेंडरी सोर्स सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स के बारे में प्राथमिक जो स्रोत हैं उसके बारे में प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एविडेंसेज प्राथमिक स्रोतों में सरकारी दस्तावेज साहित्य से और कला से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं ये सभी जो है मूल दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं मूल सबूत जो है सो इसमें एविडेंस जो है शामिल होते हैं अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में सरकारी दस्तावेज जो सरकारी कागज़ पत्र है उसके बारे में मेनी इंडियंस रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स विथ इच अदर कई भारतीय शासक और प्रशासकों ने क्या किया एक दूसरे के साथ दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान किया लेन देन किया दिज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है बिन वेल प्रिजर्व एंड आर नाउ इजली एवेलेबल ये सरकारी दस्तावेज जो है अच्छी तरह से संरक्षित किए गए हैं और ये अब हमें आसानी से उपलब्ध हैं इज़ली एवेलेबल है, easily available है। from them we can easily know how different powers dealt with each other and how ultimately the british overpowered them by one unse hum aasani se jaan sakte hain ki vibhin shaktiyan ek dusre se jo hai kaise nipatti thi aur अंग्रेजों ने एक एक करके कैसे इन सभी को जो है परास्त में परास्त किया हराया अपने अधीन जो है सो किया The documents relating to British government help अस इन नोइंग द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश इंपेरलिस्ट एंड देयर इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन ऑफ दिस कंट्री ब्रिटिश सरकार से संबंधित दस्तावेज हमें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की वास्तविक प्रकृति और हमारे देश में का उन, उनके द्वारा जो आर्थिक शोषण किया गया उसके ज, उस, उसे जानने में हमारी मदद करते हैं But we must remember that the official records tell us what the official thoughts, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. Therefore, we must refer to other sources. लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आधिकारिक रिकॉर्ड हमें सिर्फ वही बताते हैं जो आधिकारी वर्ग सोचा करते थे उनकी रुचि क्या थी वो क्या चीज़ का प्रचार करना चाहते थे ये रिकॉर्ड हमें हमेशा यह समझने में मदद नहीं करते हैं कि देश के अन्य लोगों ने उनके शासन के दौरान कैसा महसूस किया उनके जो उनके कोई भी एक्शंस के पीछे उनका क्या भावनाएं रही इसलिए हमें अन्य स्रोतों को की ओर भी ध्यान देना होगा इतिहास की जानकारी के लिए लिटरेचर यानी साहित्य ए लॉट ऑफ बुक्स बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आर अवेलेबल विथ थ्रो लाइट ऑन वेरियस एक्स्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ ढेर सारी पुस्तकें चाहे वो भारतीय भाषाओं में हो चाहे विदेशी भाषाओं में वो जो वो सभी उपलब्ध हैं जो भारतीय जीवन के विभिन्न आयामों पर जो है प्रकाश डालते हैं दिज बुक्स ऑल्सो थ्रो ए गुड डील ऑफ़ लाइट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाई मेन इन डिफरेंट फील्ड सच एज मेडिसिन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्ट लिटरेचर हिस्ट्री मैथमेटिक्स म्यूजिक डांस एंड ड्रामा ये पुस्तकें चिकित्सा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कला साहित्य इतिहास गणित संगीत नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य के द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डालते हैं बाई गोइंग थ्रू दिज बुक्स वी कैन कंपेयर द इंडियन सोसाइटी विथ पीपुल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन किताबों के माध्यम से हम भारतीय समाज की तुलना दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोगों से भी कर सकते हैं द ऑटो बायोग्राफी एंड बायोग्राफ बायोग्राफी ऑफ फॉरन ट्रेवल्स ऑल्सो प्रोवाइड ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन विदेशी यात्रियों की आत्मकथा और उनके द्वारा लिखी गई दूसरे की जीवनी भी बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी हमें प्रदान प्रदान करती है अब आते हैं हम लोग अगले स्रोत जो है मैगजींस एंड न्यूज पेपर्स ए लार्ज नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड पम्पलेट्स वी प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बाई डिफरेंट पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इस समयावधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में समाचार पत्र पत्रिकाएँ पुस्तिकाएँ ये सभी जो है छापी जाती थीं सम ऑफ दिट पेपर्स आर स्टिल इन पब्लिकेशन एंड दे आर सिस्टम सिस्टेमेटिकली कैप्ड ए रिकॉर्ड ऑफ देयर ओल्ड एडिशन इन देयर लाइब्रेरी इनमें से कुछ पत्र पत्रिकाएँ जो है अभी भी प्रकाशन में हैं और उन्हें व्यवस्थित रूप से अपने पुस्तकालयों में ये लोग अपने पुराने संस्कर संस्करणों का रिकॉर्ड बना करके रखे हुए हैं आर्टिस्टिक एविडेंस कलात्मक साक्ष्य कलात्मक प्रमाण वेरियस स्टैचूज पेंटिंग्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट बट दे ऑल्सो टेल अस समिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल लीडर्स एंड द अदर हिस्टोरिकल पर्सनलिटी विभिन्न प्रतिमाएँ पेंटिंग ये सिर्फ कला के महत्वपूर्ण कार्य ही नहीं हैं बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं और अन्य ऐतिहासिक हस्तियों की उपलब्धियों के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐतिहासिक इमारतें भी सूचना का एक ऐतिहासिक इमारतें भी हमें सूचना ये सूचना प्रदान करती है अर्थात ये भी एक सूचना का स्रोत है सम ऑफ देम आर इंडियन इंडिया गेट सेंट्रल सेक्रेट्रिएट द राष्ट्रपति भवन द पार्लियामेंट हाउस एंड द बिरला हाउस वेयर महात्मा गांधी वाज फोर्टी 1948 उनमें से कुछ हैं आपके इंडिया गेट केंद्रीय सचिवालय राष्ट्रपति भवन संसद भवन और बिरला हाउस बिरला भवन जहां पर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी ऑल दीज बिल्डिंग्स आर आवर नेशनल वेंट and must be preserved because they are not only they not only tell us much about the past but also throw a good deal of light on different aspects of the architectural achievements of India. ये सभी इमारतें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं राष्ट्रीय संपदा हैं और इनको संरक्षित अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ये सिर्फ़ हमारे अतीत के बारे में हमें नहीं बतलाती है बल्कि उसके अलावे उस समय की जो स्थापत्य कला थी उसकी उसके बारे में बताती है साथ में उस समय के जो हम लोगों ने जो आर्किटेक्चरल यानी स्थापत्य कला में जो अचीवमेंट्स पाया है उसके बारे में भी ये अच्छी तरह से हम प्रकाश डालती है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सोर्सेज इन एडिशन टू द प्राइमरी सोर्सेज देयर आर सेकेंडरी सोर्सेज विच प्रोवाइड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राथमिक स्रोतों के अलावे जो हमारे दूसरे स्रोत भी हैं सेकेंडरी सोर्स भी हैं वे भी हमें उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं द चीप एमोंग देम आर फिल्म विच थ्रो ए गुड डील ऑफ लाइट ऑन द कॉन्टेम्परेरी पीपुल एंड देयर वे ऑफ लाइफ उनमें से जो प्रमुख हैं वो फिल्में हैं जो समकालीन लोगों और उनके जीवन के तरीके पर प्रकाश डालती है द इम्प्रेशन विच दे लिव ऑन अस रिमेन क्वाइट परमानेंट बिकॉज वी सी द डिफरेंट इवेंट्स हैपनिंग बिफोर आवर आई उनके द्वारा जो छाप हमारी आंखों पे छोड़ी जाती है वो अस्थाई होती है क्योंकि हम लोग विभिन्न घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं यानी फिल्मों के माध्यम से जब फिल्मों में हम देखते हैं तो उस समय की घटनाओं को होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं जिसकी वजह से उसका अस्थाई प्रभाव हमारी आंखों पर हमारे मन मस्तिष्क पर जो है पड़ता है लेटर्स लेटर्स रिटेन बाय ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज लाइक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स आल्सो गिव अस ए चांस टू अंडरस्टैंड देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर पीपल महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और अन्य महान ऐतिहासिक व्यक्ति व्यक्तित्वों के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं हमें उनके सोचने के तरीके और उनका अन्य लोगों के साथ जो संबंध था उसको समझने का एक मौका प्रदान करता है चांस प्रदान करता है वी फाइंड रिटेन रिकॉर्ड्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स और मेटल्स हमें लिखित रिकॉर्ड्स जो है हमें शिला लेख या धातुओं पर जो है लिखे हुए रूप में भी मिलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लिखित रिटेन रिकॉर्ड्स है वो किस किस रूप में मिलता है पत्थरों पे खुदाई के के रूप में या धातुओं पर भी खोद करके कहीं कहीं पे जो है सो लिखा हुआ उस तरह से भी प्रमाण हमें मिलता है तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव फिनिश चैप्टर वन ऑफ हिस्ट्री अब हम लोग ये हम लोग चैप्टर वन को फिनिश कर चुके हैं अब आपके लिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आप लोग खुद करेंगे ये है आपका टिक द राइट ऑप्शन यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए पूरा कंप्लीट करेंगे आप लोग फिर उसके बाद स्टेट ट्रू टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स ट्रू फॉल्स आपको कंप्लीट करना है फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करना है यानी ए बी सी आप लोगों के लिए होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर डी और ई e मैं करवाऊंगा ए बी सी आप लोग खुद करेंगे ए बी सी यहां तक आप लोग खुद करेंगे और मुझे आप करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट करेंगे उसी कंडीशन में मैं आगे पढ़ाऊंगा वरना मैं आगे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अंडरस्टैंड आप लोग समझ गए ना अगर आप लोग एबीसी बनाएंगे तभी जो है सो मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा मैं बोल रहा हूं स्पष्ट उसके बाद में अगर नहीं बनाएंगे तो मैं, मैं समझूंगा पढ़ाना आप लोगों को बेकार है